इलियास शरफुद्दीन ने अपना एक पैगाम जारी करते हुए बताया कि बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर की मां और भाई राजू कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, तो क्या ये अफराद भी कोई जमात में गए थे जो इन्हें कोरोना हो गया? देखिए उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी अभी देखा अनुपम खेर का स्टेटमेंट आया, उनकी माता जी को, उनके भाई को और उनके भाई की मिसेस को कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19। पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी, तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले। और फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी रिंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली। अल्लाह ताला सब हिंदुस्तानियों और दुनिया वालों को ये बीमारी से शिफा दे दे और अल्लाह ताला ये बीमारी को खत्म कर दे और तमाम मसाइल खत्म कर दे रब्बुल आलमीन। भारत भारतवासियों की अल्लाह हिफाजत करे। अनुपम खेर को याद दिलाना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी के साथ बैठकर तबलीगी जमात के मुसलमानों के बारे में हरामी पने के बात आ करे थे, देखिए आपके घर में आज कोरोना आ गया। एंड दे आर डिटरमिन्ड टू इन्फेक्ट अदर्स इन इंडिया। एनी लीवे अनुपम खेर, वी शुड नॉट गिव देम एनी लीवे। इट्स हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इट्स हाइट ऑफ taking everybody for granted, and as Mita was saying, there's supposed to be some scholars. So what are the scholars of? Scholars are supposed to be educated people who know what is social distancing. But apparently, they are from the Tablighi Jamaat. I was told it was a Tablighi Jamaat gathering. I don't, as a citizen of this country from any religion, I don't care where are they from. They are risking the lives of thousands and thousands of people. We are trying to discuss this and make the hashtag make it flat, but if we continue doing that and if the authorities don't pounce on them and authorities don't take very strong action on them, this will never become flat. This is what has happened today. It's criminal and authorities should really really take it very strongly. Nahi karna bhai dusron ke liye harami pane ki baat, godi media ke sath kutte pane ki baatein nahi karna। देखिए आपके घर में आज माता जी को, भाई को हो गया। अब मैं पूछूं, माता जी कोसी जमात में गए थे, भाई आपके कोसी जमात में गया था, आपके भाई की मिसेस कोसी जमात में गए थे, पूछूं? इन्वेस्टिगेशन करना, राइट? खतरनाक एक्शन लो बोले थे आप, खतरनाक एक्शन लेना आप पे। सोचो आप क्या बोले थे। किसी पे भी उठा के इल्जाम लगा देना आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। संघी जहन, संगी गंदी आइडियोलॉजी और संगी गोदी हरामी मीडिया में बैठकर ये बातें मत करिए, बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। मैं दुआ दूंगा कि आपकी माता जी को, भाई भावज और तमाम हिंदुस्तानियों को और दुनिया वालों को अल्लाह शिफा दे दे, क्योर कर दे, हेल्थ दे दे, लाइफ अच्छी दे दे, लेकिन याद रखिए जहरीले बातें नहीं करना। आइए मालिक रबुल्ला की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। इस्लाम लाइए, खुद को बचाइए, पूरे देश को बचाइए, दोनों जहां में कामयाबी पाइए। वेदा गीता का यही हुक्म, कुरान हदीस का यही हुक्म, मान लीजिए कामयाब हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।